हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में। हमारे किचन को साफ रखना जितना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है किचन में इस्तेमाल होने वाले हर उस चीज को साफ रखना, जिससे आपका किचन हमेशा हाइजेनिक लगे। किचन के कामों में इस्तेमाल होने वाले किचन टॉवेल्स या फिर किचन नैपकिन्स, जो कुछ देर यूज करने के बाद काफी चिपचिपे, गंदे और मेले हो जाते हैं और उनमें काफी बदबू भी फैल जाती है, तो इन्हीं किचन टॉवेल्स को घर पर ही बिल्कुल आसान तरीके से साफ करने का एक आसान सा तरीका आज हम देखेंगे, जिससे आप इन किचन टॉवेल्स को बिल्कुल नया और साफ रख सकते हो। इन किचन टॉवेल्स को साफ करने के लिए गैस पे रखे कोई बड़ा सा बर्तन और उसमें थोड़ा पानी ऐड करें। जितने आपके किचन टॉवेल्स है उसके अकॉर्डिंग पानी ले और इस पानी को आप अच्छे से उबाल ले। पानी में अच्छे से उबाल आते ही इसमें ऐड करें 1 से 2 चम्मच डिटर्जेंट या फिर डिटर्जेंट लिक्विड, जो आप घर में यूज करते हो। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा व्हाइट विनेगर। विनेगर डालने से कपड़ों में जो भी बदबू और चिपचिपापन होगा वो दूर होने में मदद होगी। अगर आपके पास व्हाइट विनेगर नहीं हो तो आप इसमें पूरे 1 नींबू का जूस भी डाल सकते हो। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसी गर्म पानी में एक एक करके जितने भी खराब किचन टॉवेल्स है उन्हें सोक करने के लिए रख देंगे। इन किचन टॉवेल्स को कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए हमें अच्छी तरीके से सोक करने के लिए रख देना है। 1 से 1.5 घंटे तक अच्छी तरीके से सोक करने के बाद अब इन सोक किए हुए किचन टॉवेल्स को आप हाथ से या फिर अगर मशीन वॉश करना चाहते हो तो मशीन में सेपरेटली इसे वॉश करें। अगर आप मशीन वॉश करना चाहते हो तो इन्हें दूसरे कपड़ों के साथ नहीं वॉश करें। इन कपड़ों को अच्छी तरीके से धोने के बाद इन्हें धूप में जरूर सुखाएं। धूप में अच्छी तरीके से सूखने के बाद आप खुद नोटिस करोगे कि जितने चिपचिपे और गंदे ये किचन टॉवेल्स थे अब वो बिल्कुल साफ हो गए हैं और उनमें जो बदबू थी वो भी पूरी तरीके से निकल गई है। तो आप भी आपके सारे किचन टॉवेल्स इसी मेथड से एक बार जरूर साफ करके देखिए। इस मेथड से ये किचन टॉवेल पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे दिए गए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऐसे ही कुछ नए और उतने ही यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।